आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, यही चीज़ आप जानना चाहते हैं ना। देखिए, पीछे मेरा मशीन है, ये अगर एक्सट्रूजन फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं तो इस मशीन से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, मैं सब चीज़ मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। हर एक पॉइंट को आप काफ़ी अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट करके रखिएगा, भी फ्यूचर में भी आपसे कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में इस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। हर एक पार्ट्स को मैं दिखा रहा हूँ, हर एक पार्ट्स के बारे में अच्छे से बताऊँगा, हर एक पार्ट्स को काफ़ी अच्छे से देखिएगा भी आप लोग, और हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझिएगा। सभी क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा, सब चीज़ अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक्सट्रूजन का मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, और कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम अच्छे से आज समझते हैं। एक एक पार्ट्स को काफ़ी अच्छे से ध्यान से समझिएगा, मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते चलूँगा, और क्या क्या क्वेश्चन उठता है सभी क्वेश्चन को भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यह देखिए, यह है अपना सॉकेटिंग यूनिट। ठीक है, सॉकेटिंग यूनिट में क्या होता है कि इसमें सॉकेट किया जाता है। सॉकेट क्या किया जाता है, जैसे हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप में हमको इसी साइज का दूसरा पाइप ज्वाइंट करना है, तो हमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा फैला देना होता है। ठीक है, तो उसी को हम सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, ये भी फार्मूले के हिसाब से इसका कितना लेंथ होना चाहिए वो दिया जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन उठता है कि हम सॉकेटिंग क्यों करते हैं। सॉकेटिंग हम इसलिए करते हैं कि हमको उसी साइज का दूसरा पाइप, 100 mm का पाइप है, हमको दूसरा 100 mm का पाइप अगर हमको दोनों को ज्वाइंट करना है तो इसके लिए हमको सॉकेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, और सॉकेटिंग की मशीन है और ऐसे ही सॉकेटिंग होता है, ये चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है अपना कटर। ठीक है, इसको हम कटर यूनिट बोलते हैं, ये कटर है। ठीक है, यह क्या करता है, पाइप को काटने का काम करता है, पाइप को काटता है, और इसको जैसे हम जो भी डायमेंशन सेट करते हैं तो उसी डायमेंशन पे काटता है। 3 मीटर पे सेट करेंगे 3 मीटर पे काटेगा, 6 मीटर पे सेट करेंगे तो 6 मीटर पे काटेगा। मतलब इसका मेन काम यही है, ये कटिंग करना। ठीक है, पाइप को कटिंग करना, ये भी कई प्रकार का आता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा क्या क्या प्रकार का आता है, पूरा मैं एक्सप्लेन करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अभी देखिए, यह है अपना हॉल ऑफ। हॉल ऑफ का काम क्या रहता है कि हॉल ऑफ जो है वह कोई भी प्रोडक्ट को खींचने का काम करता है। जैसे अभी ये पाइप बन रहा है, इसको भी खींचने का काम कर रहा है, फिल्म बनता है तो उसमें भी टेकअप दिया जाता है तो वो भी खींचने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद से फिर से आपका HDPE पाइप भी बनता है तो उसमें भी इसका यूज होता है, PVC पाइप बन रहा है तो इसमें भी यूज हो रहा है, CPVC बनेगा उसमें भी होगा, PPR बनेगा उसमें भी होगा, गार्डन भी बनेगा उसमें भी होगा। इसका काम है पाइप को या प्रोडक्ट को खींचना। हॉल ऑफ से हम अपने थिकनेस को भी मेंटेन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके थिकनेस को, उसकी मोटाई को हम कंट्रोल करते हैं। एक्सट्रूजन प्रोसेस में देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक एक्सट्रूजन को काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे तो सभी एक्सट्रूजन को आप समझ सकते हैं। ठीक है, और एक्सट्रूजन पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपका पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सीट लाइन में, प्रोफाइल में, अभी तो एक्सट्रूजन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, जहाँ पे भी एक्सट्रूजन प्रोसेस है 80% जगह पे आपको टेकअप मिलेगा, ये हॉल ऑफ मिलेगा, और ये हॉल ऑफ का काम आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद से देखिए, यह है प्रिंटिंग यूनिट। ठीक है, ये प्रिंटिंग भी बहुत प्रकार के प्रिंटिंग आते हैं, कोई इंक टाइप प्रिंटिंग आता है, लेजर टाइप प्रिंटिंग आता है, ये देखिए ये अपना लेजर टाइप प्रिंटिंग है। ठीक है, अभी इसमें इंक टाइप का भी आता है, जो मतलब स्याही बोल सकते हैं उससे लिखा जाता है, मैनुअल भी आदमी प्रिंटिंग कर देता है। ठीक है, तो यह प्रिंटिंग यूनिट हो गया। इसके बाद से आता है अपना ये वैक्यूम टैंक। ठीक है, वैक्यूम टैंक को आप समझिए थोड़ा बढ़िया से। वैक्यूम टैंक में क्या होता है, हमारा जो पाइप होता है उसका साइजिंग होता है। ठीक है, जैसे हमारा डाई मेटल से जो भी मटेरियल निकल रहा है, जिस साइज में निकल रहा है, उस साइज को मेंटेन करके रखता है वैक्यूम। साइजर भी इसी वैक्यूम टैंक में फिट होता है, वो साइजर जिस साइज का हमको ट्यूब पाइप चाहिए, जिस साइज का, जिस डिजाइन का हमको सीट या प्रोफाइल चाहिए, वैसा हमें साइजर लगाना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके बाद से ये अपना आ गया एक्सट्रूडर। ठीक है, इसमें देखिए डाई हेड है,
ये आपका ये पूरा मतलब बैरल है, ये देखिए थर्म, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल लगा हुआ है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये टेम्परेचर कंट्रोल से क्या होता है, अगर हम 180 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं मशीन में, तो 180 डिग्री ही उस जोन पे आना चाहिए जिस जोन पे मैं 180 डिग्री दिया हूँ। जहाँ पे 130 डिग्री दे रहा हूँ वहाँ पे 130 डिग्री ही रहना चाहिए, वही टेम्परेचर कंट्रोलर इसी का काम करता है, ठीक है। और ये है अपना PLC, यहाँ से पूरा मशीन ऑपरेट होता है, ठीक है। यहाँ से हम पूरा मशीन ऑपरेट करते हैं PLC से, ठीक है। और इसमें थर्मोकपल क्या होता है, ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। थर्मोकपल आपका टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है, सेंस करता है। इसमें आपका ये हीटर है, ये बैंड टाइप हीटर लगे रहते हैं इसमें। और उसके बाद से ये हॉपर देख लीजिए, यह हॉपर भी बहुत बहुत तरह का हॉपर आता है। यह तो आपका PVC का फीडर हॉपर है, लेकिन ये सिंपल हॉपर भी आता है। और उसके बाद से अगर आप PE ग्रुप का मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें प्री ड्रायर हॉपर यूज होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। और ये देख लीजिए, ये आपका लोडर है जो मटेरियल को लोड करता है, ठीक है। तो यह स्क्रू टाइप लोडर है, बहुत आते हैं वैक्यूम टाइप लोडर आता है, स्प्रिंग टाइप भी लोडर आता है, तो इस लोडर के बारे में भी देख लीजिएगा। लोडर का काम यही रहता है कि जो मटेरियल है उस मटेरियल को नीचे से आपका हॉपर में ट्रांसफर करना। तो फिर से वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें।